ये युवक इस युवती को रिझाता है, लेकिन इसका अंदाज बड़ा ठेठ है, एकदम देशी। तेरी जिंदगी में आजा, प्यार को बसा दूं मैं। और दोस्तों, उस दौर में जिस संगीतकार को मोहम्मद रफी की आवाज मिल जाती थी, उसे किसी बड़े बैनर की जरूरत नहीं पड़ती थी। दिल ने फिर याद किया। इसके बाद प्राण बार बार उसे चेतावनी देते हैं, लेकिन बिंदु नहीं मानती। आखिर प्राण अपना आखिरी दाव चलते हैं। इशारों को अगर समझो, आज पर आज रहने दो। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी की और उन गानों की जिन्हें हिंदी फिल्मों के महान गायक मोहम्मद रफी ने गाया। कभी इंतजार करते बरसात की रातों में। दोस्तों, संगीतकार सोनिक ओमी की जोड़ी चाचा भतीजे की जोड़ी है। चाचा है मनोहर लाल सोनिक, जिन्हें मास्टर सोनिक कहा जाता है, और भतीजे हैं ओम प्रकाश सोनिक, जिन्हें सिर्फ संगीतकार ओमी कहकर याद किया जाता है। कभी जीने के वादे, कभी मरने की कसमें। चाचा मनोहर लाल सोनिक का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1923 में और भतीजे ओम प्रकाश सोनिक का 12 जनवरी 1939 में, यानी दोनों के बीच लगभग 16 साल का फासला था। हो गया दिल का पुर्जा, पुर्जा लगे 85 झटके, हो तेरा रंग है नशीला। सोनिक ओमी पंजाब के सियालकोट के रहने वाले थे। बाद में भतीजे ओम प्रकाश सोनिक सियालकोट से दिल्ली चले आए। ओम प्रकाश सोनिक जब अपने चाचा मनोहर लाल सोनिक के साथ मुंबई आए थे, तब उनकी उम्र थी 9-10 साल। तू है मेरा बदन, मैं बदन का। दोस्तों, यहाँ ये बता देना अच्छा रहेगा कि संगीतकार सोनिक ओमी पहले उस दौर के प्रख्यात संगीतकार रोशन के यहाँ काम करते थे। मास्टर सोनिक रोशन साहब के मैनेजर थे, जबकि ओमी साहब रोशन के असिस्टेंट थे। गायक मोहम्मद रफी से सोनिक ओमी का परिचय भी संगीतकार रोशन के जरिए हुआ था। चूंकि संगीतकार रोशन और मोहम्मद रफी का मिलना जुलना लगातार होता था, इसलिए सोनिक ओमी भी रफी साहब के काफी करीब आ गए। उनके बीच नजदीकियां इसलिए भी बढ़ी क्योंकि तीनों पंजाब से थे। मोहम्मद रफी अमृतसर से और सोनिक ओमी सियालकोट से। तेरी जिंदगी में आजा, प्यार को बसा दूं मैं। दोस्तों, सालों संगीतकार रोशन के यहाँ काम करने के बाद संगीतकार सोनिक ओमी को एक स्वतंत्र संगीतकार जोड़ी के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिल्म थी दिल ने फिर याद किया। वो भी क्या दिन थे हमें दिल में। यह फिल्म आई थी 1966 में। इस फिल्म में धर्मेंद्र हैं, नूतन हैं और रहमान हैं। फिल्म दोस्ती पर आधारित है। हम वो परवाने हैं जो शम। दोस्तों, फिल्म में दुनिया के बहुत से गुणी संगीतकारों की तरह सोनिक ओमी को भी बड़े बैनर की फिल्मों में काम करने का मौका लगभग नहीं मिला, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह रही कि उनके लिए हिंदी फिल्मों में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफी ने गाया। दिल ने फिर याद किया। और दोस्तों, उस दौर में जिस संगीतकार को मोहम्मद रफी की आवाज मिल जाती थी, उसे किसी बड़े बैनर की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अक्सर उनके गाने मोहम्मद रफी की आवाज पाकर अमर हो जाते और दुनिया संगीतकार को जान जाती। संगीतकार सोनिक ओमी के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिल्म दिल ने फिर याद किया के गाने को मोहम्मद रफी ने गाया और खूब गाया। गले तुमने लगाया था कभी। इस फिल्म में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में है और नूतन का भी डबल रोल है। फिल्म में धर्मेंद्र और रहमान की दोस्ती की कहानी है, प्यार की कहानी है। धर्मेंद्र के लिए गाया है मोहम्मद रफी ने। फिर कोई चोट मोहब्बत की। नूतन की कहानी को आवाज दी है सुमन कल्याणपुर ने। क्या बताएं तुम्हें हम शम्मा।
रहमान दोस्ती निभाते हैं, दोस्त के लिए कुर्बानी देते हैं। उनके लिए गाया है मुकेश ने। उस दौर में ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था क्योंकि इसमें दोस्ती थी, मोहब्बत थी और बलिदान था। उस दौर में गांवों, कस्बों और शहरों में रात के सन्नाटे में जब ये गाना रेडियो पर बजता था तो उसका असर जबरदस्त होता था। फिल्म के इस टाइटल सॉन्ग को लिखा है जीएल रावल ने। साथियों, सोनिक ओमी के लिए गाए इस भावुक गाने के बाद मोहम्मद रफी ने इस संगीतकार जोड़ी के लिए एक और जबरदस्त गाना गाया। ये गाना भी बेहद भावुक है। तू है मेरी दुल्हन, आज होगा मिलन मेरी महुआ। ये गाना है फिल्म महुआ का, जो आई थी 1969 में। इस फिल्म में कोई बड़ा अभिनेता या अभिनेत्री नहीं है। इस फिल्म के बारे में बताने लायक भी कुछ नहीं है। लेकिन उस दौर में अक्सर ऐसा होता था कि कोई फिल्म किसी तरह बना दी जाती थी और उसमें रफी साहब के गाने डाल दिए जाते थे। दोनों ने किया इजहार मगर। इस गाने को लिखा है कमर जलालाबादी ने। इस गाने में मोहम्मद रफी ने गीतकार के शब्दों में भाव भरे, आवेग भरा और उन्हें इतना ऊपर ले गए कि ये गाना अमर हो गया। तू ना जागी तो मैं आंसुओं में सारे जग को। दोस्तों, इस गाने के बाद मोहम्मद रफी ने सोनिक ओमी के लिए फिर एक कमाल का गाना गाया। तेरी ये जवानी अलबेली ये पहेली है अकेली मुझे। ये गाना है 1970 में आई फिल्म सावन भादो का। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। सावन भादो अभिनेत्री रेखा और अभिनेता नवीन निश्चल दोनों की पहली फिल्म थी। कहते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के पहले मोहम्मद रफी को यह बता दिया गया था कि फिल्म का हीरो नया है। रफी साहब ने इस बात को पकड़ लिया और इस गाने को ऐसा गाया कि लोग देखते रह गए। तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। दोस्तों, इस गाने में मोहम्मद रफी की आवाज में किसी अल्हड़ नौजवान की जवानी है, उसका जोश है। हो गया दिल का पुर्जा, पुर्जा लगे 85 झटके, हो तेरा रंग है नशीला। ये युवक इस युवती को रिझाता है लेकिन इसका अंदाज बड़ा ठेठ है, एकदम देशी। तेरी जिंदगी में आजा, प्यार को बसा दूं मैं। ये गाना तब नौजवानों के बीच खूब लोकप्रिय हुआ था। उस दौर में ये गाना दिल फेक आशिकों का एक फेवरेट गाना बन गया था। तेरी ये जवानी अलबेली ये पहेली है अकेली मुझे साथी बना ले। 1970 के बाद सोनिक ओमी के लिए मोहम्मद रफी ने एक और हिट गाना गाया। इसमें उनके साथ है आशा भोसले। आज की बात ये कव्वाली है फिल्म धर्मा का। धर्मा आई थी 1973 में। इस कव्वाली में बिंदु है जो वेश बदलकर शहर में रह रहे डाकू प्राण को धमकाती है। इसके बाद प्राण बार बार उसे चेतावनी देते हैं लेकिन बिंदु नहीं मानती। आखिर प्राण अपना आखिरी दाव चलते हैं। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। इस गाने के काफी अरसे के बाद 1979 में सोनिक ओमी रफी साहब के लिए मोहब्बत से भरा एक गाना लेकर आए। इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। ये गाना है फिल्म जुल्म की पुकार का। कभी जीने के वादे, कभी मरने की कसमें। दोस्तों, 70 का दशक खत्म होने को था लेकिन रफी साहब की आवाज में तब भी वही पुरानी मिठास थी। मैं तेरी मोहब्बत में हर रस्म निभा दूंगा। गाने में पर्दे पर हैं रंजीता और परीक्षित साहनी। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है गायिका चंद्राणी मुखर्जी ने। इस गाने को लिखा है वर्मा मलिक ने। कभी जीने के वादे,
कभी मरने की कसमें। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि मोहम्मद रफी सोनिक ओमी के काफी करीब थे। सोनिक ओमी भी उन्हें बहुत मानते थे। रफी साहब जब भी रिहर्सल के लिए संगीतकार ओमी के घर जाते तो अक्सर पंजाबी में कहते, ओमी लगता है आज मैं अपने घर आ गया हूं। सोनिक ओमी ने 1980 में रफी साहब के निधन के 2 सप्ताह पहले उनकी आवाज में एक गाना रिकॉर्ड किया था। अल्लाह का नाम पाक है, वो पाक रहेगा। ये गाना है 1981 में आई फिल्म मान गए उस्ताद का। ये गाना सोनिक ओमी के लिए मोहम्मद रफी का आखिरी गाना था। और बंदा मुझसे खाक है, ये खाक रहेगा। दोस्तों, इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कभी जीने के वादे, कभी मरने की कसमें।